ड्राई मौसम को लेकर दून अस्पताल ने दिए सचेत रहने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। देहरादून में चल रहे ड्राई मौसम को देखते हुए दून अस्पताल के MS व छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने सर्दी जुखाम से बचने के लिए लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि ऐसा मौसम पुरानी बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू के आम लक्षण जैसे नाक बहना, गले में खराश होना और आंखों की खुजली होना और पानी बहने जैसे मामले अक्सर अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की UK 24x7 के लिए देहरादून से। किस तरह के पेशेंट इस समय आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, अस्थमा के आ रहे हैं या चेस्ट से जुड़े हुए आ रहे हैं? देखिए चेस्ट मेडिसिन में तो हमेशा ये मौसम एक जो पुरानी बीमारियों को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक माना जाता है। सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, सीजनल में एक तो सीजन की वजह से, दूसरा इस टाइम पे थोड़ा फ्लू वगैरह के केसेस ज्यादा बोल सकता हूँ थोड़े से, तो वो भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन बाकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं, नाक का बहना या बंद होना, गले का खराब होना, खिचखिच होना, खराश होना, हल्का बुखार या कई बार तेज बुखार, बदन टूटना, ये कॉमन लक्षण है। इसके अलावा अगर आंखों पे इम्पैक्ट है तो आंखों का बहना, आंखों की खुजली आना, आंखों में लालपन होना, तो ये इस तरह के जो भी फ्लू के लक्षण हम मान के चलते हैं वो किसी भी इस तरह की बीमारी में आ सकते हैं। बाकी जो पुरानी बीमारियों के मरीज हैं उनके अंदर पुरानी बीमारियों का अचानक में बढ़ जाना, तो ये लक्षण है, ऐसे में जरूर से आप डॉक्टर को मिलिए। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।